दुनिया अपनी एक्चुअली मैं ऐसा आ रहा हूँ थोड़ा इसके लिए ना टाइम नहीं निकल पा रहा, इस काम के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और जब तक इस काम के लिए टाइम टाइम चाहिए तो पूरा एक से दो दो तीन चार पाँच नहीं घंटे, और इसमें से जो भी है ना उनमें से किसी के पास इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो आ रही है कि टाइम का लफड़ा पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अब जैसे हमारे जो जितने ग्रुप के मेंबर हैं देखिए, जैसे तीन जो बंदे हैं वो एग्जैक्ट फोकस है यूट्यूब पे, चार बंदे तो फोकस पे ही है, लेकिन ये है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि सबके साथ एक जो काम होता रहे तो वो लगातार काम अच्छा होता रहे, तो ये ना वो एक आगे एक पीछे, क्योंकि हम सब ग्रुप में हैं तो ग्रुप के अंदर तुम लोगों को पता है भाई हर एक चीज़ पर एक बंदा कोई काम करा तो उसके ऊपर तुरंत हम उससे वीडियो लेके और फिर हम सबके चैनल पर सब शेयर कर देते हैं, तो वही चीज़ होता है राइड में तो तुम लोगों को पता है कि राइड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन सारी चीज़ों के ध्यान रखना। तो फिर बस वही है, अभी बाकी बात के ऊपर है कि जब बात हो जाती है उनसे तब करते हैं, और जिस दिन बात नहीं हो पाती उस दिन राधे राधे नहीं है। चलो बाकी यार अब पता चला धीरे धीरे गर्मी से लगने लग गई, जो हम अभी राइड पे होकर है ना वहाँ पे हमें ठंड लग रही थी यार, लेकिन यहाँ पे या तो गर्मी है या पॉल्यूशन है, इधर क्या है, एक से धूप की लाइट मुँह में पड़ रही है उसका भी दिमाग खराब हो रहा है, मिरर जो है ना इसका एक्साइट ये तक मेरे मुँह में मारता है। और एक तो हमारे साथ यही गई थी अपाची, ये अपाची नहीं थी वो आई थिंक रेड कलर की, हाँ रेड ब्लैक कैसे कुछ पिक्चर है, हुआ भी है कुछ तू और कान फाड़ दे आ जा। तो ये है और यहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगा, सीधा स्ट्रेट रास्ता पकड़ूँगा एग्नू ऑफिस का, और फिर वहीं से अपना जो भी है अभी देखते क्या है, वहाँ भी मुझे पता है ड्रामा होगा, कॉरिडोर के अंदर बैठे बहुत ड्रामे रहते हैं, क्या से कोई चीज़ मिलती कहाँ है। अच्छा भाई साहब पिलर नहीं तोड़े बंदे ने, ये भी सब में यही खड़ी रहती है, मतलब चलाता होगा बंदा लेकिन जाता यहाँ से स्पीड में निकलना है। थोड़ा बहुत तो यार रेड लाइट अच्छी आ सकते हैं, बाकी बस इतना बहुत है इतनी चीज पर आकर, और बाकी भाई साहब एक तो ये रोड पता नहीं कब सही होगी यार, ये बारह भाई की ये रेलो पूरा हिला देती है भाई साहब, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हिले पूरा, यार एक फ्लैट रोड ही बना दो। और बाकी इस रोड का रियलिटी में कुछ नहीं हो सकता, लो फाइनली रेड हो गई फाइनली। और ये जो पीछे वाला बंदा था ना बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, चलो एक चीज तो बढ़िया कर दी, सोलर पैनल हर जगह पे यूज हो रहे हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी से क्या पॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ग्रीन ये हुई ये ग्रीन हुई तो ये कैसे चले, अच्छा स्ट्रेट के लिए ग्रीन है ऑलवेज रहती है, निकलना है अच्छा तो स्ट्रेट के लिए तो हमेशा ग्रीन ही रहती है, बाकी वही अब
21 सेकंड तक मैं तुम लोगों का दिमाग खाऊंगा। एक तो धूप की जो लाइट है ना यार, ये भी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने बच्चे 14 सेकंड, और भाई साहब है टाइम 7 सेकंड। चलो बंदे वाले हॉर्न बजाएंगे, अरे उनको ये नहीं पता, उनसे ज़्यादा जल्दी तो हम लोगों को पीछे वालों को। ये भाई साहब सोचे तो पुलिस वाला हूँ, इसलिए ये लोग इन्होंने ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करा। लगे ना भाई हम पुलिस वाले नहीं हैं, एक टाइम पे शौक था, बट रीज़न होते हैं कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई बात नहीं, पुलिस वाले नहीं तो यूट्यूबर ही बन गए, यूट्यूब बन गए तो फीचर तो है अपना। बाकी यार एक तो यार इंटरनेट का कुछ करना पड़ेगा जी, हालत में जियो वालों कुछ करो यार इंटरनेट के लिए। तुम लोग पता कितना हम जैसे घर के अंदर तो भाई साहब वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकते, हम बाहर पार्क में जा के वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। थोड़ा सा रहम दिखाओ यार, तुम समझा ना, फायदे न चाहिए यार। और यहाँ से सीधा वाली रोड है लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जाएंगे, ब्लॉग तो तुम लोग के लिए मैं तैयार कर ही दूंगा। ब्लॉग की मुझे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि मैं ब्लॉग करने के लिए ही बैठा हूँ तुम लोगों के लिए। ये हमें ब्लॉग करना तो है ही है भाई, और मैं थक और गया एक्चुअली। पता ही क्या आजकल ना थोड़ा सा जैसे राइड वाइड पर निकल रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या थकावट की हो रही है, या तो थकावट हो रही है या मुझे लग रहा है सही से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। रियलिटी में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जा रहे हैं पता थक जाते हैं, और बॉडी पेन ऐसा तगड़ा वाला हो रहा है, या तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ दिनों के लिए ब्लॉगिंग से रिलैक्स होना पड़ेगा। तो किसको आफत हो रही है, अपन तो एक कोने में हो जाते हैं। ले भाई ले ले आफत, मतलब मेरे पीछे। अबे यार मैं गलत आ गया, चल कोई बात नहीं, आगे वाले तक ले लेंगे। बाकी ऐसा लग रहा है इस रोड में कितने, ये रोड में शायद पहली बार ही आया हूँ, एक दो क्या एक दो ऑफिस के आगे वाला कटा ही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आई थिंक ये सीधा वाला हो सकता है। चलो कट मार के देखने में क्या जा रहा है, चल लेते। निकल के देखने में क्या जा रहा है, कहीं भी चलो, कहीं भी चलो, इधर चलो उधर चलो, कहीं भी चलो, कहीं भी चलो। बाकी मुझे लग रहा सन्नाटा है, गन्ने के जूस नहीं पीना। बाकी मेरे हिसाब से वो आगे वाला ही रास्ता है, होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था जो ड्राइवर है ये फिर आगे का देखता कैसे यार। मेरे हिसाब से आगे वाला ये है, और गलती से बड़ा बड़ा ट्रक आ गया ना, गलती से उसमें लग गया भाई सब डीजल के रख देगा। शायद हो तो यही हो, वैसे यही होना चाहिए। हाँ यही गया,
बना के रखते हैं भाई लोग। अबे यार यहाँ तो खाली खाली कहता है, दूसरे को तो पूछती होती है क्या?